बच्चों, कक्षा 9वीं में हम पढ़ रहे थे पार्ट 12 कैदी और कोकिला, जिसमें हमने पार्ट 1 में फर्स्ट सेकंड पैरा को समझ लिया था और पार्ट 2 में हमने समझा था इस पैरा तक काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह शंखरा काली, पहरे की हुंकृत की प्याली, तिस पर है गाली ए आली। मतलब ये क्या बताया यहाँ पर कि सभी चीजों की तुलना किससे की गई है, रात से की गई है। यहाँ काली रात भी है, शासन की करनी काली मतलब दुख और तकलीफ देने वाले जो कर्म कर रहे हैं वो करनी भी उनकी काली है। काली लहर कल्पना काली मतलब यहाँ पे गुलामी की जो लहर चली हुई है और उस पर कालिमा छाई हुई है। मेरी काली कोठरी काली, मेरी जो कोठरी जिसमें मुझे कैद किया गया वो भी कैसी है, काली है क्योंकि इसमें सूर्य का प्रकाश नहीं आता। टोपी काली कमली काली, जहाँ वहां पर जो वस्त्र पहने दिए जाते हैं तो उसमें टोपी काली और कमली काली, जो ओढ़ने को कंबल दिया गया वो है भी काली। मेरी लोह श्रृंखला काली मतलब जिस मैं हम जिस कोठरी में कैद किया गया वहां पे जो सलाखें लगी हुई है वो भी कैसी है, काली है। पहरे की हुंकृत की ब्याली, जो यहाँ पर पहरेदार है वो भी हमें लाल लाल आंखों से और क्रोधित आंखों से ऐसे देखते हैं मानो हुंकार भर रहे हो। काली सांपिन ब्याली का मतलब क्या बताया, सांपिन हुंकृति मतलब हुंकार भरना, तिस पर गाली ए आली, और वो हमें गालियां भी देते हैं, हमें अपशब्द भी कहते हैं। तो इस प्रकार ये हमारे काली मतलब दुख से भरी हुई ये यहाँ की कालकोठी वाला जीवन है। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो तो। मतलब इस काले संकट सागर पर इतने दुख भरे इस माहौल में भी, इस वातावरण में भी मरने की मदमाती हम गर्व से मरने के लिए भी तैयार है। मदमाती मतलब मस्ती भरी यहाँ पर हम जिंदगी जी रहे हैं और इसमें हमें कोई शर्मिंदगी नहीं है, हम गर्व महसूस करते हैं। कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, मतलब कोयल से प्रश्न कर रहे हैं कि कोकिल बोलो तो, इस मौत जहाँ ये मौत का खतरा मंडरा रहा है, तुम अपने चमकीले अर्थात आशा और उत्साह, आशा और उत्साह का संचार करने वाले गीतों को गाते हुए इस कालिमा मई रात्रि में कारागार के आसपास क्यों घूम रही हो, जहाँ पर हम लोग को कैद किया गया वहाँ पर क्यों घूम रही हो। कोकिल बोलो तो, कोकिल से वो प्रश्न कर रहे हैं कि संकट के समय पर जहाँ पर इतना खतरा है और वहाँ पर तुम यहाँ पर आशा और उत्साह का संचार करने वाले गीतों को गाते हुए यहाँ पर क्यों आई हो। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभर में संचार मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहा में वाह रोना भी मुझे गुना, देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर रणभेरी। मतलब तुझे तेरा निवास स्थान कहाँ पर है, हरी भरी डालों पर है। मुझे नसीब कोठरी काली, मेरा तेरा तो भाग्य है कि तू हर हरी भरी डाली पर फुदक सकती है, बैठ सकती है, तू आजादी का जीवन जी रही है। मुझे नसीब कोठरी काली, पर मेरे नसीब में हम क्रांतिकारियों के नसीब में क्या है, कोठरी काली मतलब यहाँ पर जो कैद किया गया हम लोगों को, तो वहां पर बताया गया कि हम लोगों के तो यहाँ पर जो है कैदियों को रखा गया है, तो कैद खाने में कारागार में जो रखा गया है, तो कोठरी यहाँ की काली है। तेरा नभ भर में संचार, नभ यानी क्या होता है, आकाश, वो तुम कहीं पर भी आ जा सकती हो, कहीं पर भी उड़ सकती हो। तेरा नभ भर में संचार मेरा 10 फुट का संसार, 10 फुट का संसार क्यों बताया, क्योंकि न वो उसके 10 फुट की जो काल कोठरी है वो उसके बाहर जी नहीं सकते, उनके बाहर निकल नहीं सकते, तो अपना संसार उन्होंने कहाँ तक बताया, 10 फुट तक। तेरे गीत कहा वे वाह, जब तू कूकती है और कोयल की जो आवाज होती मधुर होती है, तो जब वो पेड़ पर कूकती है तो लोग उसकी तारीफ करते हैं, उसकी आवाज को वाह कहते हैं। रोना भी है मुझे गुनाह, और परंतु हम तो रो भी नहीं सकते, अपनी दुख तकलीफों को किसी से बता नहीं सकते हैं।
मतलब हमारा जीवन इन्हीं 10 फुट में सिमट कर रह गया है। तुम्हारे गीतों को तो सुनकर लोग वाह वाह करते हैं, लेकिन हम तो रोना भी हमें पाप है, रो भी नहीं सकते। दोनों में इतनी विषमता है, इसे देखकर भी तुम केवल युद्ध की भेरी बजा रही हो, अर्थात तुम भी लोगों की परतंत्रता से दुखी हो और परतंत्रता से मुक्ति पाने को प्रोत्साहित करने के लिए आई हो। देख विषमता तेरी भेरी और तिस पर बजा रही रणभेरी, मतलब तुम युद्ध का नाद करने यहाँ पर आई हो, युद्ध की घोषणा करने आई हो क्या, जो रात में तुम चीख रही हो, कोकिल बोलो तो। फिर देखो लास्ट पैरा क्या दिया गया है कि इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कह दो, कोकिल बोलो तो। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किस में भर दूं, कोकिल बोलो तो। तो कोयल से क्या कहते हैं जो कवि हैं, वो कह रहे हैं कि जेल की अंधेरी तंग कोठरी में बंद कवि रात्रि में कोयल कूक रही है, उसको संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे कोयल, मैं तुम्हारी इस हुंकृति मतलब इस चीख जो चीख रही है कोयल रात में, अर्थात युद्ध की जो ललकार कर रही है, संघर्ष की जो आवाज और घोषणा कर रही है, इसलिए मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि बताओ मैं अपनी रचनाओं से और क्या कर सकता हूँ। मतलब मैं यहाँ से और तो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन जेल में लिखने की आजादी थी तो वो रचनाएं लिखते हुए कहते हैं कि मैं ऐसा क्या लिखूं जिससे मोहन, देखो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किस में भर दूं। मोहन कौन? मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता प्राप्ति करने का जो दृढ़ संकल्प लिया था, उसे पूरा करने के लिए मैं अपने प्राणों का आसव अर्थात अपनी प्राण शक्ति किस में भर दूं, कोकिल बोलो तो। कोकिल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि कोकिल, मैं अपनी रचना के माध्यम से किस्म और स्वतंत्रता के गीतों को जागृत कर दूं, स्वतंत्रता की जो क्रांतिकारियों की आवाज है उसमें किसको मैं जागृत कर दूं, जिसके आधार पर और भी लोग आजादी की लड़ाई में शामिल हो सके और हमारा देश आजाद हो सके। इस प्रकार कोयल को संबोधित करते हुए उन्होंने ये पाठ लिखा और इस प्रकार ये अपना पाठ पूर्ण होता है। कौन सा पाठ है ये? कैदी और कोकिला। कैदी और कोकिला जो बताया गया तो किसके द्वारा लिखा गया है? माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा। और इसमें क्या बताया गया है? जो क्रांतिकारी हैं उनके साथ जो अमानवीय व्यवहार हो रहा है, जो अत्याचार हो रहे हैं कैद में रखकर, उसके विषय में वर्णन किया गया है। इस प्रकार अपना ये पार्ट 3 पूरा हुआ और साथ साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। इसके प्रश्न उत्तर का PDF आपको दिया जाएगा, जिसको आप कॉपी में नोट करेंगे। धन्यवाद।